दोस्तों हम जो सीरीज बना रहे थे अपनी टाटा एल्ट्रोज की एडी से लेकर छोटे तक रिव्यू पार्ट वाली, उसमें नया मोड आ गया है भाई। मैं इसको आपको बताने वाला था ना, इसमें कमी और इसका जो फायदे है वो गिनाने वाला था। उसमें सबसे बड़ी एक पहले दूध जैसे मतलब इसका वीडियो बनाया, उसके दूसरे दिन ही इसके साथ एक छोटा मोटा हादसा हो गया, ठीक है। अब मैं बताता हूँ वो क्या। अब जैसे ये टाटा एल्ट्रोज अपने एक्सएम प्लस, इसमें सेंसर आते हैं ना, कम आते हैं, आपको पता है दो ही आते हैं। अब उन दो सेंसर की वजह से इसमें क्या नुकसान हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ, अभी बताता हूँ। जैसे मैं शादी में गया था, है ना, ये देखो एक सेंसर ये रहा, एक वो रहा, ठीक है। अब इससे नुकसान क्या हुआ, इसको जस्ट पीछे की तरफ है ना, यानी इतनी दूर, जैसे अभी मैं खड़ा हूँ लगभग 4 फुट की या 3.5-4 फुट की दूरी पर, इतना ये सेंस कर पाता है कि दूर तक चारों तरफ क्या है। लेकिन जैसे आप किसी ब्लाइंड स्पॉट पर पहुँचते हैं या बैक लेते टाइम, तो भाई यहाँ पे सेंसर होना ज़रूरी है, कम से कम 4 सेंसर हो तो ही पार पड़ेगी। अब उसका नुकसान क्या हुआ भाई, मेरा ये वाला टायर है ना, ये वाला टायर भाई ये सीधा एक नाली के अंदर जाके फिट हो गया। ये सेंसर नहीं होने से, बैक कैमरा नहीं होने से, ये देखो दिख रहा होगा ना आपको, जंग भी आनी शुरू हो गई इतनी जल्दी। देखो आप, अब ये हुआ कि ये इधर से तो बाहर गया, इधर से अंदर घुस गया। और ये देखो यहाँ से आपको क्लोजअप दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो यहाँ पे भी जंग आनी शुरू हो गई है, ये देखो इतनी जल्दी जंग पकड़ी इसने। अभी सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं, 2 ही दिन वो वीडियो डाले और मैं दूसरे दिन ये वीडियो बना रहा हूँ, ये देख लो आप, यहाँ पे जंग, रिम के ऊपर भी जंग आनी शुरू हो गई। तो ये नुकसान है भाई। अब मैं सोच रहा हूँ इसको जल्द से जल्द इसमें कंपनी से ही जाके, बाहर से नहीं, वैसे कंपनी से जाके पैसे तो लगेंगे, बैक कैमरा इसमें फिट करवा ही लेता हूँ। यार ब्लाइंड स्पॉट हो गया बिल्कुल ही, ठुक गई गाड़ी पीछे से। अब आगे से तो चलो ठीक है, अपने को बोनट का अंदाज़ा हो जाता है तो कोई इतनी दिक्कत नहीं थी। और एक दूसरी चीज़, इसमें रिम है, ट्यूबलेस टायर है, उसकी कमी क्या है भाई, इसमें ऑटोमेटिक अभी दिख रहा होगा आपको, टायर देखो, इस टायर की हवा देखो, इस टायर की हवा देखो भाई, ऑटोमेटिक इसमें हवा आपकी कम हो जाती है। अब उसके लिए ज़रूरी क्या है भैया, पका टी पी एम एस होने का फ़ायदा सबसे ये कि टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम जो को बता देता है कि कौन से टायर में आपके हवा कम है। और ये मैंने अभी जो मैगना थी सेम सेगमेंट की थी, वो मेरे को पड़ी थी 8,05,000 के लगभग। उसमें जो सेकंड बेस मॉडल था, जैसे उसका आता है वो नाम पता नहीं, तो उसमें आपको टी पी एम एस, ई बी डी, ई सी एस, जितने भी हिल असिस्ट वाला मिल रहा था, होल्ड वाला, जो भी सब कुछ मिल रहा था उसमें, टक्शन कंट्रोल भाई, इससे ज़्यादा फीचर थे, भर भर के थे। बस एक टच स्क्रीन ही नहीं थी, बाकी सब कुछ था उसके अंदर। म्यूजिक सिस्टम भी बढ़िया था उसमें, स्पेस भी बड़ी सेम ही स्पेस था उसमें। उसका बोनट वो भी ऊँचा था। उसमें आपकी जो सीट थी वो हाइट एडजस्टमेंट वाली मिल रही थी, लेकिन भाई क्या करें, जल्दबाजी में यही होता है। वो भी 4-स्टार रेटिंग थी, ये 5-स्टार थी, बस इसीलिए इसको लेना पड़ा। एवरेज दोनों का सेम है, वो कंपनी बोलती है 18, लेकिन चलो 3 घटा के भी चलो 15 का एवरेज दे ही देती है, और अपन वो तो खैर अपने चलाने के ऊपर निर्भर है। फ़ायदा क्या है इस गाड़ी का, अभी इस जगह अगर सुजुकी अदर ब्रांड की कोई गाड़ी होती ना, तो भाई ये इससे हद से इतनी मतलब बढ़िया आवाज़ आई थी कि मोहल्ले के लोग निकल के आ गए थे कि आराम से अच्छा खासा डेंट हो जाता है इसको। अभी मेरे को 0 डेप्थ में डालना ही पड़ता मेरे को इसको, इतना बढ़िया हो गया था इसका, मान लो इतना तगड़ी आवाज़ आई थी। अब टायर देख के अंदाज़ा लगा लो कि टायर का जो अलाइनमेंट है वो भी बिगड़ गया है, यदि इधर से तो ये बाहर आ रहा है और उधर से अंदर घुस रहा है। यहाँ से ये देखो पूरी, ये देखो कितना गैप हो गया है, ये देखो ये यहाँ से अंदर घुस गई। इसी की बात कर रहा था कि भाई इसमें 4 सेंसर और एक रिवर्स पार्किंग कैमरा होना ज़रूरी है। अगर आप नई नई गाड़ी ले रहे हो और आप अपने दिल पर चोट नहीं लगवाना चाहते, जैसे अभी मेरे बड़ी खतरनाक तरीके से लगी है। और इसमें क्या है, अब मैं बताऊं यार, इतना तगड़ा दिल दुखा है यार, बहुत तगड़ा। अब इसको करवाएंगे अपने थोड़ा बहुत, लेकिन मैं ये सोच रहा था, मेरे को बताया भी था उन्होंने कि इसको 0 डेप्थ में डलवा के आप ही पूरा ये चेंज करवा सकते हैं, बट पर यार मैंने सोचा कि पूरा ये बॉडी से अलाइन है यहाँ तक, ठीक है, ये अलग से पार्ट है नहीं, ठीक है, तो ये 0 डेप्थ में कैसे जाएगा। अब 0 डेप्थ में जाता भी है, प्रोसेस बहुत लंबी हो जाएगी, 1-1.5 महीने का, और इसको थोड़ा बहुत और भी चेंज करवा लेंगे, अभी नहीं, थोड़ा बाद में देखेंगे अपने। अभी जैसे मैं आपको बताने वाला था
इसमें आपको क्या क्या मिलता है क्या क्या नहीं। ये देखो अभी इसके अंदर का ये थोड़ा एक है मतलब डस्टी हो जाता बहुत जल्दी बहुत जल्दी। अभी जैसे मैंने इसमें ये वाली तो फिटिंग करवाई है, मैट है ना ठीक है। अभी इसमें दूसरा वो रबर मैट आती है वो जो जाली वाली आती है वो मैंने अभी फिट नहीं करवाई। भाई गाड़ी लेते सबसे पहले यही काम करवाना। ये हमारा छोटा शेर आ रहा है, ये देखो आ जाओ बेटा तू भी कर ले गाड़ी का रिव्यू। तो ऐसा कुछ इस गाड़ी के साथ अभी हादसा हुआ है। ये हमारा शेर आज के इतना बहुत है।